अभी भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है Realme 7 या Poco M2 Pro, इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, इसके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। और उसके साथ नेक्स्ट कंफ्यूजन है Poco X3 या Poco X2, इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। सो आज के इस वीडियो में आपको क्लियरली बताऊँगा कि इन फ़ोनों में से आपको कौन से फ़ोन लेना चाहिए और कौन से फ़ोन को स्किप करना चाहिए, क्योंकि 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक Flipkart पे बिग सेविंग डेज चलने वाला है और इसमें इन सारे फ़ोन्स के ऊपर आपको बहुत भारी डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। सो यार, राइट फ़ोन कौन सा है आपके लिए, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा और आपको क्लियरली बताऊँगा। सो वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहना। हे गाइज, वेलकम बैक, मेरा नाम है मदन और स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। पहले गाइज, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको नॉन चाइनीज़ ब्रांड का फ़ोन लेना है या चाइनीज़ ब्रांड का फ़ोन लेना है। चाइनीज़ ब्रांड में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं फोन्स में, बट नॉन चाइनीज़ में आपको बहुत कम ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक आता है माइक्रोमैक्स और दूसरा आता है सैमसंग। तो माइक्रोमैक्स की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1, जिसमें आपको मेटेक हेलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सो यार, वो फ़ोन भी बेस्ट है उसी प्राइस रेंज में, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और बात करें सेकंड फ़ोन की, जिसमें आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F41। इस फ़ोन को लगभग मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट मुझे पता चले हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी मुझे पता चले हैं। बात करें पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो इसमें आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। सो नो डाउट इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बेटर है। इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, इसकी भी क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगे। और इस फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। ये थे पॉजिटिव पॉइंट। और बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका प्रोसेसर, जो आपको देखने को मिलता है एग्जोनॉस 9611। ये यार प्रोसेसर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आपको लगभग 1,90,000 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। पबजी ये प्रोसेसर 60 FPS तक चला पाता है, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट यार कुछ टाइम पबजी खेलने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ोन हीट होता है और ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ इसमें जो 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, इसको चार्ज करने के लिए लगभग फ़ोन को 2.5 घंटे के ऊपर टाइम लग जाता है। और ये फ़ोन 4G+ को भी सपोर्ट नहीं करता, मतलब जो नेटवर्क कैरियर एग्रीगेशन होता है उसको भी सपोर्ट नहीं करता। सो इतने सारे इसके नेगेटिव पॉइंट है, फिर भी यार आपको नॉन चाइनीज़ फ़ोन में इसी प्राइस रेंज में अभी दूसरा कौन सा भी फ़ोन देखने को नहीं मिलता। सो ये नेगेटिव पॉइंट कंसिडर करके आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। ये फ़ोन आपको लगभग 15,500 में फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेज में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है Realme 7 या Poco M2 Pro, इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लिया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, तो इसलिए वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, उसके बाद ये जो आपका कंफ्यूजन है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें फ्लिपकार्ट के सेल में प्राइजेस कैसे है। तो Poco M2 Pro का प्राइस आपको लगभग 13,000 में देखने को मिलेगा और Realme 7 का प्राइस अभी भी 15,000 देखने को मिल जाता है, बट जैसे ही सेल स्टार्ट होगा तो इसका भी प्राइस डाउन हो ही जाएगा। तो सबसे पहले बात करें परफॉर्मेंस की, तो Realme 7 में आपको मेटेक हेलियो G95 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और Poco M2 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है। बात करें एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की, तो Realme 7 का एंटीटू बेंचमार्क स्कोर लगभग 2,90,000 के आसपास आता है और Poco M2 Pro का 2,70,000 के आसपास आता है। तो यहाँ पे एंटीटू बेंचमार्क स्कोर Realme 7 के ज़्यादा है, बट परफॉर्मेंस दोनों भी फोन में आपको सेम देखने को मिलता है। इसका पबजी टेस्ट किया था, वीडियो अपने चैनल के ऊपर है, चाहे तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे दोनों भी फोन में आपको पबजी में स्मूथ प्लस अल्ट्रा का ही ग्राफिक सेटिंग देखने को मिल जाते हैं, मतलब दोनों भी फोन 40 FPS तक ही मैक्सिमम FPS को सपोर्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे Realme 7 के कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो मुझे अच्छे लगे। तो Realme 7 में आपको 64 मेगापिक्सल का सोने IMX682 का सेंसर देखने को मिलता है, जो एयर सेंसर आपको Poco M2 Pro में देखने को नहीं मिलता। Poco M2 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का ही सेंसर देखने को मिल जाता है। और गाइस, बात करें चार्जिंग स्पीड की, तो Realme 7 में 30W का चार्जर देखने को मिलता है और लगभग 1 घंटा लगाता है फुल चार्ज होने में, और Poco M2 Pro में 33W का चार्जर देखने को मिलता है, उसको लगता है 1.5 घंटा चार्ज होने में। Realme 7 में आपको बैटरी बैकअप ऑन स्क्रीन 8 hours मिलता है, तो Poco M2 Pro में 9 hours प्लस। Realme 7 में आपको हायर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 90Hz तक का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट Poco M2 Pro में आपको कोई भी डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता, स्टैंडर्ड 60Hz का ही डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें Poco M2 Pro के पॉजिटिव पॉइंट की, तो इसमें आपको 4G+ का नेटवर्क कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो आपको Realme 7 में 4G+ का नेटवर्क कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे Poco M2 Pro से Realme 7 के पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है, Realme 7 के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन चाहिए तो आपको स्नैपड्रैगन वाला फ़ोन लेना चाहिए, जो है Poco M2 Pro, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलता है। बट जो इसके नेगेटिव पॉइंट है, ये भी आपको कंसिडर करना
करने पड़ेंगे। बट आपको शॉर्ट टर्म के लिए फ़ोन चाहिए फास्ट चार्जिंग, बेटर कैमरा, तो आप रियलमी सेवन को कंसिडर कर सकते हैं। आपके जगह मैं होता तो मैं एक डेढ़ साल तक ही फ़ोन मैक्सिमम यूज़ करता हूँ, उसके बाद चेंज करता हूँ, तो मैं डेफिनेटली रियलमी सेवन लेता, क्योंकि इसमें मुझे जो मुझे फ्यूचर चाहिए वो मुझे सब कुछ मिल रहे। आई होप सो यहाँ पे आपका एक जो डाउट था ये क्लियर हुआ होगा। और एक कंफ्यूजन है गाइज, पोको एक्स टू या पोको एक्स थ्री, तो यहाँ पे नो डाउट पोको एक्स टू का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बेटर है पोको एक्स थ्री से, और आपको बैक पैनल पोको एक्स टू का ग्लास का देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा चमकता है। बट यार पोको एक्स थ्री के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे कि पोको एक्स टू में जो बैटरी ड्रेन का इशू है अभी तक पोको की टीम उसको फिक्स नहीं कर पाई, और उसके साथ पोको एक्स टू में जो कैमरा में ओवर सैचुरेशन का जो इशू है वो भी अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है। बट यहाँ पे पोको एक्स टू की जो बैटरी ड्रेन का इशू है वो फिक्स करने के लिए पोको डायरेक्ट पोको के ऊपर पोको एक्स थ्री लेके आया, जिसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और उसको चार्ज करने के लिए 33 का फास्ट चार्जर भी आपको देखने को मिल जाता है इन बॉक्स। बट यहाँ पे मेन पॉइंट है परफॉर्मेंस, दोनों भी फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। पोको एक्स टू में आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है, पोको एक्स टू में आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलता है। ज़्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे मुझे स्लाइडली पोको एक्स टू का ही परफॉर्मेंस बेटर लगा। दोनों भी फोन में 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाते हैं, बट पोको एक्स थ्री में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड है और चलता है। और उसके बाद बात करें स्पीकर की, तो एक्स्ट्रा पोको एक्स थ्री में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ दोनों भी फ़ोन 4G प्लस को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे यार कंफ्यूजन तो है, बट आपको अभी पोको एक्स थ्री ही लेना चाहिए, क्योंकि ड्यूअल स्पीकर, लंबी 6000 mAh की बैटरी, उसके साथ फास्ट चार्जिंग, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगे कि अभी आपको पोको एक्स थ्री ही लेना चाहिए। सो ये फ़ोन लगभग आपको 16000 में फ्लिपकार्ट के इस सेल में देखने को मिलेगा, और पोको एक्स टू लगभग 15000 में देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप पोको एक्स थ्री ही लीजिए। सो गाइज, इस वीडियो से आई थिंक आपके जो भी डाउट्स थे रियलमी सेवन हो या पोको एम टू प्रो, पोको एक्स थ्री, पोको एक्स टू, ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। और अभी तक क्लियर नहीं हुए तो मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसे लगा, ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आप कौन सा फ़ोन खरीदने में इंटरेस्टेड है इस फ्लिपकार्ट के सेल में, ये भी यार ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। जय हिंद दोस्तों।